दीर्घ संधि, स्वर संधि की पांचवी संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? देखो इसमें क्या होता है, पलस से पहले और पलस के बाद समान स्वर होते हैं और समान स्वर जुड़ करके अपने दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं और दीर्घ स्वर में बदलने के कारण ही इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? हिंदी में दीर्घ स्वर माने जाते हैं आ, ई और उ। ये तीन स्वर दीर्घ माने जाते हैं। हालांकि संस्कृत शिक्षा आप लेते हो, संस्कृत व्याकरण में री को भी माना जाता है, लेकिन हिंदी में री वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अब सामान्यतः हम देखें कि समान स्वरों के मेल से जब कोई स्वर मिलकर के आपस में अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। लेकिन बात करें, सामान्यतः अपन देखते हैं आपको सबसे सरल संधि जो लगती है स्वर संधि में, वो दीर्घ संधि ही आपको लगती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको हिंदी में वर्तनी का ज्ञान है, वर्तनी का अगर आपको ज्ञान है तो वास्तव में सबसे सरल संधि दीर्घ संधि है। लेकिन अगर वर्तनी का ज्ञान नहीं है तो फिर ये संधि आपको बहुत ज्यादा गलतियां करवा सकती है। सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करूं इसका। जैसे मान लो शब्द आ जाए दीप जोड़ अवनि, क्या होगा? दीपावली। आप सोचोगे कि सरल सरल शब्द दे रहे हैं, इन शब्दों में हम क्यों टाइम खराब करें अपना। लेकिन पूरा प्रश्न होने दो, उसके बाद देखना। पहला प्रश्न शब्द आया दीप जोड़ अवली दीपावली। दूसरा शब्द मैं दे दूं, जैसे मान लो रचना जोड़ अवली, क्या हो जाएगा? रचनावली। ठीक है। तीसरा आ गया जैसे मान लो कविता जोड़ अवली, क्या हो जाएगा? कवितावली। चौथा शब्द आ गया मुक्त जोड़ अवली, क्या हो जाएगा? मुक्तावली। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सरल सी चीज है। दीप जोड़ अवली, ऐसे ऐ मिला, आ हो गया दीपावली, रचना जोड़ अवली रचनावली, कविता जोड़ अवली कवितावली, मुक्त जोड़ अवली मुक्तावली, इसमें क्यों समय खराब करते हो? लेकिन ये चार बन गए क्या अपने ऑप्शन बन गए ए बी सी और डी। और इन चारों ऑप्शनों में प्रश्न कर लिया जाता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं किया गया है। अब आप अगर चार ऑप्शन है तब आपका दिमाग भी चलता है कि कोई ना कोई गलती तो है शायद, और दिमाग चलाकर मान लो आप सही कर दो। लेकिन मान लो मैं इसमें से एक ऑप्शन हटा दूं, आपके दिमाग को हैंग भी करता है एग्जामिनर, जल्दबाजी होती है, पता नहीं कहां जाते हो पेपर दे करके। ए बी सी डी ये हो गए और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने कोई नहीं, और आप जल्दी से क्या करते हो, पेपर आया, पेपर में प्रश्न आया रचना जोड़ अवली रचनावली, कविता जोड़ अवली कवितावली, मुक्त जोड़ अवली मुक्तावली, कोई नहीं उत्तर करके आ जाते हो और गलत हो जाते हो। क्योंकि देखो रचना अवली कहते हैं पंक्ति या माला को, रचनाओं की जो माला रचनावली, दीपों की जो माला दीपावली, कविताओं की जो माला कवितावली। लेकिन मुक्त, मुक्त का मतलब हो गया फ्री होना, स्वतंत्र होना। जो मुक्त हो गया वो माला बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। और मुक्तावली जो कहते हैं, मुक्तावली कहते हैं मोतियों की माला। किसे कहते हैं? मोतियों की माला। अब मोतियों की माला मुक्तावली है, लेकिन मुक्त का मतलब मोती थोड़े ही होता है, मुक्त का मतलब तो स्वतंत्र होता है, इसलिए यहां मुक्त नहीं होगा, यहां क्या होगा? मुक्ता जोड़ अवली। अब ये आपको पता है कि मुक्ता होगा या मुक्त होगा तब तो संधि सही कर दोगे, अन्यथा गलत हो जाएगी। मुक्ता जोड़ अवली। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो बाकी सब संधियों में अपने को एक स्वर बदलना पड़ा, दो स्वर बदलने पड़े, लेकिन यहां पर चार स्थितियां हो जाती है, परिणाम एक आता। दीर्घ संधि में चार स्थितियां होती है और परिणाम जो है वो एक आता है। जैसे ऐसे ए को जोड़ेंगे हम
आ बनेगा। ऐसे आ जोड़ेंगे तो भी आ बनेगा, आ से ए जोड़ेंगे तो भी आ बनेगा, और आ से आ जोड़ेंगे तो भी आ बनेगा। अब आदेश तो आ हो रहा है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ये आ जो है वो किससे जुड़कर बना है। ए से जुड़कर बना है, ए आ से जुड़कर बना है, आ ऐ से जुड़कर बना है, या आ आ से जुड़कर बना है। यही स्थिति ई के उदाहरणों में हो जाएगी। ई और ई भी बड़ी ई होते हैं, ई जोड़ ई भी बड़ी ई, ई जोड़ ई भी बड़ी ई, ई जोड़ ई भी बड़ी ई। ये भी चारों स्थिति दीर्घी बना रही है। इसी प्रकार ऊ आए तो भी यही कंडीशन रहेगी, ऊ जोड़ ऊ बराबर ऊ, ऊ जोड़ ऊ बराबर भी ऊ, ऊ जोड़ ऊ बराबर भी ऊ, और ऊ जोड़ ऊ बराबर भी यही कंडीशन रहेगी। इन चारों के एक एक उदाहरण देखें हम पहले, उसके बाद में आगे चर्चा करें, कुछ और उदाहरण देख लेंगे। चारों में जैसे ये चार स्थितियां हैं, आ आदेश होगा, ये चार स्थितियां हैं, ई आदेश होगा, ये चार स्थितियां हैं, उ आदेश होगा। जैसे मान लो शब्द आ गया दीप जोड़ अवली, ए जोड़ ए हुआ तो क्या बनेगा, दीपावली। इसी प्रकार शब्द आ गया छात्र जोड़ आवास, क्या हो जाएगा, छात्रावास। इसी प्रकार शब्द आ गया जैसे अभी अपन ने शब्द लिखा था मुक्ता जोड़ अवली, मुक्तावली। अभी लास्ट फर्स्ट ग्रेड, इससे पहले वाली जो फर्स्ट ग्रेड थी 2016 की, उसमें एक शब्द आया था प्रेरणा जो आस्पद, क्या हो जाएगा, प्रेरणास्पद। इसी प्रकार गिरी जो इंद्र गिरिंद्र, ई से ई जुड़ा और बड़ी ई हो गई। इसी प्रकार मान लो आ गया शब्द गिरी जोड़ ईश, क्या हो जाएगा, गिरीश। इसी प्रकार शब्द आ जाए मान लो मही जोड़ इंद्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र। इसी प्रकार शब्द आ जाए ये सती जोड़ ईश, क्या हो जाएगा, सतीश। उनके उदाहरणों में देखें जैसे शब्द आ गया भानु जोड़ उदय, क्या बन जाएगा, भानुदय। इसी प्रकार शब्द आ गया मान लो लघु जो ऊर्मी, शब्द हो गया लघुर्मी। इसी प्रकार शब्द आ गया जैसे बधु जो उत्सव, क्या हो जाएगा, वधुत्सव। शब्द आ गया भू जोड़ ऊर्जा, क्या बन जाएगा, भूर्जा। हम चाहे छोटे ऊ को जोड़े चाहे बड़े ऊ को जोड़े, बड़ा ऊ ही आदेश हो रहा है। यहां पर छोटी ई या बड़ी ई कोई भी जोड़ो, ई बड़ी आदेश होगा। यहां पर ऐसे ए, ऐसे आ, आसे ए, आसे आ, कोई भी जुड़े आदेश क्या होगा, आई आदेश होगा। अब हम इसको देखें तो कुछ एक शब्द हम डायरेक्टली लेते हैं और उन शब्दों में देखें कि विच्छेद कैसे हो। जैसे मान लो कुछ शब्द आ जाते हैं जिनको आप सही नहीं कर पाते हो। जैसे शब्द आ गया कारावास,
कारावास। ठीक है, अब इसे कार जोड़ आवास करेंगे तो भी कारावास बनेगा, और कारा जोड़ आवास करेंगे तो भी कारावास बनेगा, कारावास। ठीक है ना, कार बंदी कैदी या फिर एक क्षेत्र विशेष जो हो जाए उसके लिए कार, कार शब्द नहीं आता, करके शुद्ध शब्द क्या आता है, कारा। ठीक है, और आवास मतलब स्थान। ठीक है, कारा के लिए जो स्थान होता है उसे कारावास कहा जाता है, कार के लिए जो स्थान होता है उसे कारावास नहीं कहा जाता। तो ए जोड़ आ नहीं होगा यहाँ पर, आ जोड़ आ होगा, शुद्ध क्या होगा, कारा जोड़ आवास। इसी प्रकार शब्द आ जाए, मान लो हाल ही में सीटेट में प्रश्न आया था घृणास्पद, घृणा जोड़ आस्पद, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार शब्द आ जाए सावयव, सै जोड़ अवयव, क्वथनांक, क्वथन जोड़ अंक। ठीक है, इसी प्रकार मान लो शब्द आ जाए द्राक्षासौ, द्राक्षासौ, द्राक्ष नहीं होकर क्या होगा, द्राक्षा जोड़ आशव। द्राक्षा कहते हैं अंगूर को और आशव कहते हैं रस को। इसी प्रकार आ जाए मान लो ये शब्द जन्मांतर, जन्म जोड़ अंतर, इसका हो जाएगा। इसी प्रकार शब्द आ जाए जनार्दन, इसका होगा जन्म जोड़ अर्दन, अर्दन का मतलब होता है पीड़ा का हरण करने वाला, लोगों की पीड़ा का हरण करने वाला जो होगा वो हो जाएगा जनार्दन। इसी प्रकार शब्द आ जाए रामायण, राम जोड़ अयन, यहाँ पे ये मत देखना कि सरल सरल शब्द लिखा रहे हैं, इनका क्या होगा, ये परीक्षाओं में पूछे हुए शब्द ही हैं। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए, जो 2016 में सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें रामायण शब्द पूछा गया था, द्राक्षा बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, सावयव शब्द बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, हाल ही में घृणास्पद प्रश्न सीखे थी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसी प्रकार पूछे ई के उदाहरण देखें, जैसे मान लो सतिंद्र, सती जोड़ इंद्र, क्या हो जाएगा, सतिंद्र। इसी प्रकार शब्द आ जाए मान लो अतीत, प्रतीत, अतीव, शब्द आ गया श्रीष, शब्द आ गया नारीच्छा, शब्द आ गया अभीप्सा, शब्द आ गया परीक्षा, शब्द आ गया अधीक्षक। ठीक है, अब अतीत में अति भी छोटा और इत भी छोटा। देखो उपसर्ग कोई भी हो, अति उपसर्ग की श्रेणी में आते ई और उ, इकारांत और उकारांत, कोई भी उपसर्ग होगा उसमें उ भी ह्रस्व रहेगा और ई भी ह्रस्व रहेगा। इसी प्रकार प्रति भी एक उपसर्ग की श्रेणी में माना जाता है, प्रति जोड़ इत, अति जोड़ इव, श्री, श्री कहा जाता है लक्ष्मी को, ईश स्वामी को, श्रीष का मतलब हो जाता है विष्णु, नारी, नारी हमेशा बड़ी होती है, नारी इच्छा छोटी सी होती है इसलिए इच्छा की मात्रा छोटी रहेगी, अभी छोटी, ईप्सा बड़ी होती है,
परी जो हो ईक्षा बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पर केवल गलती क्या होती है, यहाँ आप पढ़ रहे हो यहाँ आपको दिखेगा बहुत सरल सरल चीजें हैं, इनमें क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं तो इनकी छोटी बड़ी मात्रा करके दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी। इसी प्रकार अधिजोड़ ईक्षक का क्या हो जाएगा, अधीक्षक बन जाएगा, अधिजोड़ ईक्षक, और मात्रा छोटी बड़ी हुई नहीं और आपका काम हुआ। इसी प्रकार कुछ कु के उदाहरण देखें, जैसे मान लो शब्द आ गया सर्यूर्मी, चमूर्जा, भूषा, इसी प्रकार शब्द है मृत्युपरांत, इसी प्रकार शब्द है हेतु परीक्षा, शब्द आ गया मान लो लघुत्तर, इनका अगर विग्रह करें। अब आप चयन करना देखें, सरयू जो उर्मी करें या फिर सरयू जो उर्मी करें। देखो उर्मी में भी ऊ की मात्रा बढ़ी आती है और सरयू में भी ऊ की मात्रा बढ़ी आती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा। इसी प्रकार चमू, चमू में ऊ की मात्रा बढ़ी, चमू कहते सेना को, ऊर्जा, ऊर्जा में भी ऊ की मात्रा बढ़ी आती है। इसी प्रकार भू बड़ी, उषा छोटी, ठीक है, मृत्यु छोटी सी होती है, और उपरांत कोई याद नहीं करता, ठीक है, हेतु जोड़ उत्प्रेक्षा, प्रेक्षा संभावना होती है, अलंकार होता है प्रेक्षा, लघु जोड़ उत्तर, लघु जोड़ उत्तर, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न वहां पर आते हैं और भी आप अभ्यास कर सकते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा। ऑफलाइन क्लास में हम बहुत ज्यादा उदाहरण दिखाते हैं इसके, जिससे आप अच्छे से अभ्यास कर सको, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में इतने ज्यादा उदाहरण प्रस्तुत करना श्रेष्ठ नहीं होगा, ठीक है। आप अभ्यास करते रहे और अभ्यास के साथ कोई भी शब्द समस्या पैदा करता है तो उसे निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं कि साहब इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एक शब्द आ जाता है कुशासन। अब देखो इस कुशासन का विच्छेद हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो होता है कु जोड़ शासन, ठीक है, कु जोड़ शासन भी होगा, लेकिन कु जोड़ शासन अगर विच्छेद करेंगे तो संधि नहीं होगी, केवल क्या होगा संयोग होगा, क्योंकि कुशासन दो अर्थों में शब्द आता है, कु कु का मतलब कुचित या बुरा, शासन का मतलब अधिकार, ठीक है, बुरा शासन जो होता है उसे कुशासन कह सकते हैं, लेकिन एक अर्थ इसका संधि में ये भी आता है कुश जोड़ आसन, कुश का जो आसन होता है कुछ कहते हैं दाब को, ठीक है, एक प्रकार की घास होती है, उस दाब का जो आसन होता है उसे कुशासन कहते हैं। तो संधि अगर पूछे इसमें तो संधि तो दीर्घ ही मानी जाएगी, लेकिन आप कु उपसर्ग भी इसमें चयन कर सकते हो, उपसर्ग की श्रेणी में पूछे तो। अब एक शब्द आता है अग्रासन। अग्रासन और एक आता है अग्रासन, इन दोनों की संधि भी अलग अलग होती है। अग्रासन की तो होगी अग्रधन आसन, आसन आसन का मतलब हो गया बैठने का स्थान, आगे जो बैठने का स्थान होता है उसे अग्रासन कह देंगे, और एक इसमें होगी अग्र जोड़ आसन, आसन का मतलब होता है भोजन, ठीक है। यहां पर अपन देखें तो दोनों ही शब्द समान उच्चारण में समान लग रहे हैं, लेकिन विच्छेद अब कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ध्यान रखना जिस अग्रासन शब्द में तालव्य से का प्रयोग किया जा रहा है वहां तो करेंगे असन, ठीक है, और जिस अग्रासन शब्द में दंते से का प्रयोग किया जा रहा है वहां करेंगे
आसन। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको, और इसके बाद में हम चर्चा करें कुछ अन्य विशिष्ट संधियों की। ठीक है, स्वर संधि में शामिल होने वाले कुछ विशिष्ट पद हैं जिनमें से कुछ शब्द आ जाते हैं। जैसे मान लो शब्द एक आता है पतप जोड़ अंजलि, ठीक है, सार जोड़ अंग, सीम जोड़ अंत, मनस जोड़ ईसा। इसी प्रकार शब्द आ जाता है कुल जोड़ अटा। इसी प्रकार शब्द आता है एक अप जोड़ अंग, मनस जोड़ ईश। ठीक है जी, इन शब्दों में हम संधि करेंगे तो कुछ एक शब्दों के नियम बनाए हैं अलग से। इन शब्दों में क्या होता है, प्लस से पहले वाला, इन शब्दों में प्लस से पहले लिखे व्यंजन औंगलिक स्वर वर्ण का लोप कर दिया जाता है। प्लस से पहले ये शब्द है, इनमें प्लस से पहले अगर व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है तो उस व्यंजन का तो लोप करना ही करना है, उस व्यंजन से पहले वाले स्वर का भी लोप कर दिया जाता है, और अगर खाली स्वर लिखा हुआ तो केवल स्वर का ही लोप किया जाता है। तो यहाँ पर लोप करेंगे तो तय का तो ये लोप हो गया, इसमें से ए और जुड़ा हुआ है तो इस ए का भी लोप करेंगे तो पत आधा तय बचा, इसमें ये ए जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, पतंजलि। इन शब्दों को तो आपको बस इंडिविजुअल याद रखना है कि इसकी संधि क्या होती है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। कई बार पूछता है पतंजलि का संधि विच्छेद कीजिए तो आप पत जोड़ अंजलि कर देते हो, वो गलत होता है, पतत जोड़ अंजलि शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार सार जोड़ अंग सारंग, सारंग एक बहुवर्ती शब्द माना जाता है, सारंग का अर्थ मोर भी होता है, सारंग का अर्थ घड़ा भी होता है, सारंग का अर्थ सर्प भी होता है, सारंग का अर्थ वाणी भी होता है, सारंग का अर्थ वस्त्र भी होता है, सारंग का अर्थ बादल भी होता है, सारंग का अर्थ पानी भी होता है, बहुत सारे अनेकार्थी शब्द माना जाता है। और जब हम साहित्य पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें यमक अलंकार का कुछ उदाहरण भी दिया जाता है, सारंग ले सारंग चली सारंग पूज्यो पाय सारंग सारंग मैं धर्यो सारंग सारंग माय और सारंग ले सारंग उड्यो सारंग पूज्यो पाय जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। यहाँ पर अलग अलग अर्थों में होता है, अर्थ यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ हम केवल व्याकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र का कभी मौका लगा तो काव्य शास्त्र की क्लासों में आपको बता दिया जाएगा, वैसे ऑफलाइन क्लासों में बता देते। ठीक है, सारंग सीमंत सीम जोड़ अंत सीमंत सीमांत नहीं होगा सीमंत। ठीक है, इसी प्रकार मनस जोड़ ईशा मनीषा, कुल जोड़ अटा उल्टा उलाटा नहीं होगा, उल्टा भी बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला शब्द है, अप जोड़ अंग अपंग और मनस जोड़ ईश मनीष। अपवाद रूप में एक मारतंड भी पूछा जाता है, मृत जोड़ अंड बराबर मारतंड हो जाता है मारतंड। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पर अपन देखें, एक तो अपंग शब्द और एक सीमंत शब्द, सीम जोड़ अंत सीमंत होता है और सीमा जोड़ अंत जो शब्द होगा वो हो जाएगा सीमांत, क्या हो जाएगा सीमांत। ठीक है, कई पुस्तकों में सीम जोड़ अंत भी सीमांत दे रखा है, लेकिन सीमा जोड़ सीमा का मतलब हो गया हद, अंत का मतलब समाप्त, जहां पर अपने हद की समाप्ति हो जाती है उसे सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन सीम जोड़ अंत सीमंत का अर्थ क्या होता है, सीमंत का अर्थ होता है सिर की मांग, सिर की मांग। ठीक है, इसी प्रकार कुल जोड़ अटा हो गया अपंग, अपंग का एक उदाहरण और आता है अप जोड़ अंग, ये दीर्घ संधि के मूल उदाहरण है, इन दोनों में दीर्घ होगी।
ठीक है, ये दीर्घ संधि के मूल उदाहरण है, क्योंकि दीर्घ में बदल रहा है वर्ण, अप जोड़ अंग बराबर अपांग भी शुद्ध होता है, अपांग, ठीक है, अप जोड़ अंग, अपंग, अपंग का मतलब हो गया अंग से हीन, अंग से हीन, ठीक है, लेकिन अपांग का भी अर्थ आना चाहिए। अपांग का अर्थ आता है आंख की कोर या पुतली, आंख की कोर या पुतली को अपांग कहा जाता है, इसलिए अपांग भी शुद्ध माना जाएगा और अपंग भी शुद्ध माना जाएगा। यहां पर मूल नियम काम कर रहा है, ये विशेष नियम के शब्द माने जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनमें प्रथम शब्द का अंतिम स्वर अपने आप दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ स्वर होने के कारण उन्हें दीर्घ स्वर संधि के उदाहरणों में ही शामिल किया जाता है। देखो, शुरू में मैंने आपको बताया था कि स्वर से स्वर का मेल होने के कारण स्वर में परिवर्तन, स्वर से स्वर का मेल ही कामयाब नहीं है, लेकिन परिवर्तन स्वर में है इस कारण स्वर संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन में परिवर्तन होता था इसलिए व्यंजन संधि। देखो शब्द आ जाता है, जैसे कई बार पूछ लेते हैं आपको, विश्वामित्र का संधि विच्छेद कीजिए, विश्वामित्र का संधि विच्छेद कीजिए, ऑप्शन दे देते हैं विश्व जोड़ मित्र, विश्वा जोड़ मित्र, विश्व जोड़ अमित्र और विश्वा जोड़ या विश्व जोड़ अमित्र, कैसे भी उदाहरण बना करके ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। यहां पर शुद्ध होगा विश्व जोड़ मित्र, क्योंकि ध्यान रखना प्लस से पहले कुछ एक शब्द होते हैं, प्लस से पहले आने वाले स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, दीर्घ कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो विश्व मित्र, हम फिर वहां पर नियम लगाते हैं ए के साथ ए मिला तो आ बना विश्व जोड़ अमित्र होगा, विश्व का मतलब तो विश्व हो गया, अमित्र, अमित्र तो शत्रु को कहते हैं, क्या विश्वामित्र विश्व के शत्रु थे क्या, ठीक है, शत्रु नहीं थे वो तो मित्र थे, इसलिए विश्व जोड़ मित्र का क्या हो जाएगा, विश्वामित्र। इसी प्रकार शब्द आ जाता है एक मूसलाधार, मूसलाधार, इसका भी बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं, मूसल जोड़ आधार, मूसल जोड़ आधार कर देते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, गलत होता है, इसका तो अर्थ होता है मूसल जोड़ धार, मूसल जानते हो वो ही कूटने वाला, ठीक है, तो मूसल, मूसल मोटा, ठीक है, और धार, धार का मतलब धारा, मूसल की तरह मोटी मोटी धार में जो बरसात होती है ना उसे मूसलाधार कहते हैं, इसलिए मूसल जोड़ धार, ये ए वर्ण आ में बदल गया और क्या हो गया, मूसलाधार हो गया। इसी प्रकार शब्द आ जाए मान लो जैसे मार जोड़ मारी, मार जोड़ मारी क्या हो जाएगा, मारा मारी, ठीक है। इसी प्रकार शब्द आ जाए दीन जोड़ना, तो क्या हो जाएगा, दीन का दीना और नाथ, दीना नाथ, इसका भी दीन जोड़ अनाथ करके आ जाते हैं विद्यार्थी, जो गलत होता है, अनाथ का मतलब तो जिसका कोई स्वामी नहीं होता, लेकिन दीनानाथ अपन ईश्वर को कहते हैं और ईश्वर तो सबका स्वामी है, मोस्टली दीन का नाथ होने, दीन का स्वामी होने के कारण ही उसे दीनानाथ कहा जाता है। इसी प्रकार शब्द आ जाता है एक ग्रामीण महिलाएं बहुत ज्यादा प्रयोग करती है इसका, सत्य जोड़ नाश, तो सत्य का क्या हो जाएगा, सत्या और नाश का नाश, तो क्या बन जाएगा, सत्यानाश। इसी प्रकार संस्कृत में प्रचलन है, हिंदी में तो इनको प्रतिकार ही लिखा जाता है, प्रतिघात ही लिखा जाता है, लेकिन प्रतिकार संस्कृत में अगर संधि करवाते हैं इसका तो प्रतिकार ही माना जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, संस्कृत में शुद्ध, लेकिन हिंदी विद्वानों ने प्रति छोटी को भी शुद्ध करके स्वीकार किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनी स्वर संधि से संबंधित प्रायकर नियम पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। स्वर संधि से संबंधित नियमों के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो शब्द आपका कोई भी गलत नहीं होगा, उदाहरण कितने भी पढ़ते रहो फिर भी अगर उदाहरणों में कोई भी समस्या हो, अभ्यास कंपलसरी है, अभ्यास करो, नियम ध्यान में रखो,
नियम ध्यान में रखने के बाद अभ्यास करो, और अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद है कि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, पहली संधि यण संधि, ई ई उ ऊ और री के बाद असमान स्वर यण संधि होगी, ई ई उ और ये वर्ण बदल जाएंगे। दूसरी आ जाती है पलस से पहले ए ऐ के साथ असमान स्वर जुड़ेगा, ए ऐ ओ औ के साथ असमान स्वर, संधि कौन सी हो जाएगी अयादि। ए आ के साथ ई ई ऊ ऊ और री स्वर जुड़ेगा, संधि हो जाएगी गुण। ए आ के साथ ए ऐ ओ औ स्वर जुड़ेगा, संधि हो जाएगी वृद्धि। और समान स्वर जब मेल होकर दीर्घ आदेश करेंगे तो संधि हो जाएगी दीर्घ। यहाँ पर स्वर संधि से संबंधित अपनी पूरी कक्षाएं हो गई हैं। इसके बाद में व्यंजन संधि नियमों के आधार पर पढ़ेंगे। व्यंजन के बाद विसर्ग, ठीक है। विसर्ग संधि जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन देखो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, आर्टेड, उसके अलावा नौवीं, दसवीं, बारहवीं, ग्यारहवीं, इन कक्षाओं में संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को ऑप्शन के आधार पर अपन यहाँ डालेंगे और प्रश्नों का अच्छे तरीके से वर्गीकरण करेंगे। धन्यवाद।